नमस्कार दोस्तों, BR हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी खाने पीने की चीजों के बारे में जिनमें विटामिन डी की मात्रा ज्यादा होती है। विटामिन डी हमारे शरीर में बहुत ही जरूरी है और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए कैल्शियम और प्रोटीन जरूरी है, उसी तरह विटामिन डी भी हमारे शरीर में अहम भूमिका निभाता है। चलिए जानते हैं विटामिन डी की कमी होने पर कौन से संकेत देता है शरीर। दोस्तों, कई बार देखा जाता है अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है तो थकावट वाले काम ना करने से भी शरीर थका थका सा महसूस करता है। कई बार हमें तनाव भी बना रहता है। दूसरा कारण है हड्डियाँ अक्सर कमजोर सी लगती हैं। हड्डियों में दर्द रहता है। हमारे घुटनों से भी कई बार चलते हुए आवाज आती है। इसी वजह से हाइपरटेंशन, अस्थमा, BP ये सभी विटामिन डी की कमी पूरी ना होने पर बन जाते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से खाने में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पहला है दोस्तों सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी लेने से विटामिन डी की मात्रा पूरी हो जाती है। रोज आधा घंटा कोशिश करें कि सूरज की रोशनी के सामने बैठें। ये विटामिन डी पाने का सबसे आसान और सबसे तेज तरीका है जो हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है मशरूम। दोस्तों, मशरूम भी विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए एक अच्छी सब्जी है। दूसरा, ये स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के साथ साथ दांतों और हड्डियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी, हार्ट की दिक्कत और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तो मशरूम एक विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। मशरूम में विटामिन डी होने के साथ साथ हमारे मेटाबॉलिज्म को भी ठीक रखने में हमारी मदद करता है। तीसरा है एग योग, यानी कि अंडे का पीला भाग। दोस्तों, एग योग में भी विटामिन डी, प्रोटीन और विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। हमने कई बार देखा है कि लोग अक्सर अंडे के अंदर का पीला भाग यानी कि एग योग निकाल कर खाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये शरीर में मोटापा बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा खाया जाए तो वो नुकसान पहुंचाता ही है। इसी तरह से दोस्तों, चौथा है संतरे का जूस। संतरे के जूस में भी विटामिन डी की मात्रा भरपूर पाई जाती है। हर दिन ताजे संतरे के जूस का सेवन करने से शरीर पूरी तरह से चुस्त रहता है और इससे हमारे शरीर में विटामिन डी और विटामिन सी की मात्रा पूरी हो जाती है। संतरे के जूस का सेवन करने से शरीर शारीरिक और मानसिक रूप दोनों से स्वस्थ रहता है। पांचवा है दोस्तों योगर्ट। योगर्ट में पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा भरपूर पाई जाती है। योगर्ट पाचन क्रिया को मजबूत रखने में भी मदद करता है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी योगर्ट बहुत ही उपयोगी है। योगर्ट खाने से भी हड्डियों को बहुत ही फायदा मिलता है और यहाँ तक कि दांत भी मजबूत होते हैं। योगर्ट बीमारियों से भी लड़ने में बहुत ही मदद करता है। अगला है दोस्तों मछली का सेवन। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए मछली सबसे अच्छा माध्यम है। मछली में विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है जो शरीर में विटामिन डी की कमी को अच्छे से पूरा करती है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है तो आप मछली का सेवन करें। मछली में फैटी एसिड पाए जाते हैं जो हार्ट के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। मछली विटामिन डी के साथ साथ और भी पोषक तत्वों से भरपूर होती है जो ज्यादातर लोगों को बाकी खाने से नहीं मिल पाता। सातवां है दोस्तों टोफू। टोफू दूध से बनता है और ये अच्छा शाकाहारी विकल्प है। इसमें विटामिन डी की मात्रा ज्यादा होने के साथ साथ प्रोटीन, मिनरल और कैल्शियम भी भरपूर होता है। जिन लोगों को भी हड्डियों में कमजोरी लगती है या जोड़ों और मसल्स में दर्द रहता है, कमर और शरीर के नीचे के हिस्सों में भी दर्द रहता है, उनको टोफू पनीर का सेवन जरूर करना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों टोफू पनीर के साथ साथ सिंपल पनीर या चीज में भी विटामिन डी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन टोफू पनीर की तुलना में चीज में विटामिन डी जरा कम होता है। हालांकि चीज में प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। हड्डियों की मजबूती के साथ साथ इसमें इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने में विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाते हैं। अंत में है दोस्तों दूध। दूध में भी विटामिन डी की मात्रा अच्छी पाई जाती है जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कैल्शियम से भी भरपूर होता है जो हमारे जोड़ों के दर्द के लिए जरूरी है। लेकिन दोस्तों दूध का सेवन वही लोग करें जिन लोगों के शरीर में डेयरी प्रोडक्ट डाइजेस्ट हो जाते हैं। बाकी लोग विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए जो भी चीजें मैंने बताई हैं, उन सभी को शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी खाने पीने की चीजें जो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होने नहीं देगी। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।